देखो आज तुहाडा टेस्ट भी है, ओके 2 बजे तुहानू लिंक शेयर किया जाएगा, गूगल फॉर्म से होएगा। सिलेबस में मैं पा दिता सी जफरनामा इकांगी दे वन वर्ड, जिहड़ा आपां शब्द किया है ओहदे वन वर्ड, और गग्गा पाग मुहावरे। ठीक है, सो लिंक जिहड़ा है वह टाइम ओहदा हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर तो बाद विच तुसीं अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, सो टाइम लई तुसीं उहनूं अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और आंसर देना है और सबमिट करना है, वह तुहानूं सब नूं पता है कि तुसीं किस तरह गूगल फॉर्म से अटैम्प्ट करते आए हो। ठीक है, उस तो पहला बच्चे मैंने 2-3 बच्चों ने पूछा सी कि जिहड़ी असाइनमेंट सेंड की है ओदी आंसर की दस दो, सो आपां ओह पहला डिस्कस कर लैने हाँ। ठीक है, जिहड़ी तुहानूं 25 क्वेश्चन की असाइनमेंट मैं सेंड की है, उस तो बाद विच आपां चैप्टर शुरू करांगे। ठीक है, और लिसन बेटा, 2-3 बच्चे इस तरह के ने जिहड़े कि क्लास पूरी लगाते हैं पर जो 5 मिनट रह जाते हैं वो क्लास लीव कर देंगे ने। ठीक है, सो 5 मिनट जो तुम पूरी टाइम पे बैंदे हो, पूरे 30 मिनट बैंदे हो तो 5 मिनट होर भी बैठ जाया करो, और 5 मिनट से थोड़ी अटेंडेंस फिर मार्क होंगी है तो थोड़ी एबसेंट मार्क हो जाती है, तो इस तरह ना करो। ठीक है, टाइमली ज्वाइन करो और टाइम पे ही क्लास लीव करो। ठीक है, एंड मोमेंट पे कभी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे है वो दसना होंगे है, कभी किसी बच्चे का कोई डाउट हो गया वो क्लियर करना होंगे है, सो लास्ट मोमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे ने। सो सी पहला तुसी अपनी असाइनमेंट ओपन कर लो अगर तुहाडे कोल है ता। पहला ते देखो जफरनामा इकांगी दे इकांगीकार दा नाम दसो, आपा कीता होया है डॉक्टर हरचरण सिंह। ठीक है, सेकंड सी ऑरेंज, अगर तुहानू आंसर पता है तो तुसी हैंड रेज कर सकते हो। ऑरेंजजेब किस तरह दा राजा सी, निम्रता वाला, सहयोगी, जालम या हमदर्दी वाला, किद्दां दा सीगा ऑरेंजजेब, किस तरह दा सी राजा हो, जालम राजा सी। ठीक है, हरचरण सिंह का जन्म कदों होया, ये तो हमें पहला दस्या सी कि राइटर बारे भी पूछा जा सकता है, आपा कल भी राइटर बारे पढ़िया है, तो ये जन्म आ गया उदा। ठीक है, जन्म उदा होया 10/12/1914, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर हरचरण सिंह नु किस रचना लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया, कल अज ते पलक लिए मिलिया सी। ठीक है, उन्हों ईडी ऑप्शन। नेक्स्ट, पंजाब विच सिंह सूरमे किसके झंडे हेठ इकट्ठे हुए हन, खालसे दे, गुरु दे, सिखां दे या बहादरी दे। ठीक है, इहदे विच की आना है, गुरु दे झंडे हेठ इकट्ठे हुए सन उह। नेक्स्ट है, औरंगजेब दी आखरी उम्र का सहारा कौन सी, कौन सी आखरी उम्र का सहारा, बेगम उदयपुरी, काम बख्श, जीनत या अस्त खान, किसनों अपनी आखिरी उम्र का सहारा मानता सी, एनीवन। औरंगजेब किसनों अपनी उम्र का आखिरी सहारा मानता सी, टेस्ट है थोड़ा। ठीक है, मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ थानू टेस्ट। यस निष्ठा, मैम जीनत नू गुड, जीनत नू मानता सी। ठीक है, नेक्स्ट है, जफरनामा इकांगी विचले पात्र दा नाम दसो। ठीक है, हुण जफरनामा इकांगी दे पात्र दा नाम दसना तुसी, कामबख्श, अकबर, आवाज, सॉरी आवाज, अस्त खान। ठीक है, कामबख्श, अकबर, आवाज या अस्त खान, हुण इहदे विच पात्र तुसी लभना है किहड़ा होएगा। ठीक है, कामबख्श पात्र नहीं है। यस जसलीन, अस्त अस्त खान। ठीक है, गुड, राइट, क्योंकि कामबख्श दा सिर्फ नाम आया है और आवाज पात्र नहीं है, वो तो ओदी अंदरली आवाज बोल रही थी। ठीक है, अकबर दा भी नाम आया है, सो ये भी नहीं होएगा, सो आंसर की होएगा अस्त खान। नेक्स्ट, जिंदगी की है, जफरनामा इकांगी अनुसार जिंदगी की है, मोह माया, रंग तमाशा, मुसाफिर खाना या सुखां दा साधन। हाँ जी शिवांश, मैम रंग तमाशा। हाँ जी गुड, रंग तमाशा है। नेक्स्ट है, आज मेरी रूह रो रही है, यह शब्द किसने कहे, जीनत ने, उदयपुरी ने, अस्त खान ने या औरंगजेब ने। जसलीन, शब्द किसने कहे सी। यस शिवांश, औरंगजेब ने। वेरी गुड, औरंगजेब ने कहे सी। शब्द औरंगजेब ने कहे। हाँ जी, औरंगजेब ने कहे सी।
नेक्स्ट है बेगम उदयपुरी औरंगजेब की किन्नी पत्नी सी, तीसरी, पहली, पंचमी या दूसरी? बेगम उदयपुरी। हर्षित सानी मैम तीसरी। हाँ जी ठीक है गुड, तीसरी पत्नी सी। गुरु अर्जन देव जी की शाहकार रचना केड़ी है? जपजी साहब, आरती, सुखनी साहब और चंडी दीवार। यहाँ पर रिसेंटली किता है निष्ठा? मैम सुखमनी साहब। हाँ जी सुखनी साहब। गुरु अर्जन देव जी के पिताजी का की नाम सी? श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी या गुरु नानक देव जी? शिवांश। श्री गुरु रामदास जी। ठीक है। माता जी का नाम भी पूछा जा सकता है, माता जी का नाम की सी? ऑप्शंस अगर ना दित्तियां जान ते माता जी का नाम? जसलीन। यस निष्ठा। माता पानी जी। गुड, माता पानी। माता ठीक है। नेक्स्ट, काड़ा शब्द दा की अर्थ है? डर, प्यार, चिंता, जित। डर, प्यार, चिंता, जित। ये किता है आपा? हां जी जसलीन। काड़ा शब्द। मैम काड़ा शब्द दा अर्थ है चिंता। चिंता। जीव जंतु किससे सिरजे हुए हैं? ये तो पता ही होएगा सबनु। जीव जंतु परमात्मा दे, गुरु दे, माता पिता दे या संसार दे? हिमानी। परमात्मा दे। हाँ जी ठीक है, परमात्मा दे सिरजे हुए हैं। 15th क्वेश्चन, इस शब्द विच गुरु जी सर्व शक्तिमान किसनु कहंदे हैं? अगेन सेम आंसर, परमात्मा नु। ठीक है। नेक्स्ट, गुरु अर्जन देव जी सिखा दे किनवे गुरु सन? मेहुल। गुरु अर्जन देव जी सिखा दे किनवे गुरु सन? मैम पंजवे। पंजवे गुरु। ठीक है। किस दी मदद नाल परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है? माता पिता दी, गुरु दी, रिश्तेदारां दी, संसारक सुखां दी? यस हिमानी, किस दी मदद नाल हुंदी है? गुरु दी। गुड, गुरु दी मदद दे नाल। अवर शब्द दा की अर्थ है? दूसरा, कोई होर, कोई नहीं या संसार? जसलीन। ओके निष्ठा। मैम दूसरा, कोई होर। दूसरा, दूसरा, ओनली दूसरा। ठीक है, कोई होर। देखो आपा इहदे विच ना जिहड़ा एप्रोप्रिएट होएगा असीं उहनूं ही चूज करना है। ठीक है, एमसीक्यूज विच तुहानूं रलदे मिलदे भी आ सकदे ने, बट आपा एप्रोप्रिएट चुनदे हां। नेक्स्ट आ गया मुहावरिया दे नाल रिलेटेड, सही मुहावरा चुनो। ठीक है, हुण इहदे विच तुहानूं चार मुहावरे होणगे, उल्ट पुल्ट दित्ते होणगे। जिस तरह देखो पहला की है, गिल्ला पीण सुकाउणा। गिल्ला पीण पौणा, गिल्ला आटा छानना। लास्ट है गिल्ला पीण छानना। हुण इहदे विच अगर तुसी मुहावरे पढ़े होणगे तां सही मुहावरा तुसी दसना है। गिल्ला पीण सुकाउणा, गिल्ला पीण पौणा, केड़े वाला होएगा? सेकंड वन। ठीक है, गिल्ला पीण पौणा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इजी, ये बहुत इजी है। गद गद होना मुहावरे दा सही अर्थ दसो। मोटे होना, खुश होना, ठीक होना या गुस्से होना? गद गद, काफी बारी तुसी कर चुके हो इनू। गद गद मतलब खुश होना। ठीक है, तुकमा मुहावरा चुन के खाली थां भरो। हुण तुहानूं इक मुहावरा दिता जा सकता है, ओहदे विच तुसी दसना है कि ओह केड़ा होएगा। बैंक दा कर्जा ला के हरजीत तां समझो जिवें डैश डैश, गंगा नहाउणा, साह विच साह आउणा, गंगा विच बहना, चिंता मुक्त होना। ठीक है,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯੈਸ ਨਿਸ਼ਠਾ ਮੈਮ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਿਤ मैम गंगा नहाना हाँ जी गुड गंगा नहाना सी चिंता होने डेफिनेटली वो चिंता मुक्त हो गया पर चिंता मुक्त होना कोई मुहावरा नहीं है ठीक है वो तो आप नॉर्मली गल विच कहने हां राइट तो आंसर की होएगा गंगा नहाना नेक्स्ट देखो मुहावरा पूरा करो डैश डैश ढोल बजाना हाथ पिया पल्ले पिया गल पिया या सिर पिया हिमानी गरीब मार करनी गहने पोना या गोंदा गुंदना साजिश करनी दा पता किसी नू गोंदा गुंदना ठीक है साजिश करनी मतलब गोंदा गुंदना नेक्स्ट परमात्मा दे गुण गौण नाल किसनू ठंडक मिलदी है मन नू पैसे नू रब नू या गुरु नू अमृतपाल मन नू मैम मन नू लास्ट क्वेश्चन परमात्मा दी कृपा करके मनुख किसनू पछाणदा है दूसरियां नू मापियां नू अपने आप नू या मोह माया नू जसलीन किसनों पछाणदा मनुख मैम अपने आप नू अपने आप असाइनमेंट सी है 25 क्वेश्चन सी ओके इनू वे तुसी तैयार करना है और अपने कोल इनू संभाल के रखना है ठीक है सो नेक्स्ट देखो आपा कल कर रहे सी चैप्टर प्रार्थना ठीक है चैप्टर प्रार्थना बलबीर सिंह दा लिखिया होया लेख है बलबीर सिंह बारे आपा कल पढ़ चुके हाँ ठीक है इन्हों के माता पिता का नाम इन्हों की रचनावां पढ़ चुके हाँ तो असी सीगे पेज नंबर 87 ते ठीक है लास्ट पैरे उत्ते पहला असी पढ़िया सी कि जिहड़ी अरदास है करनी बहुत जरूरी है हर एक परसन नूं करनी जरूरी है फिर उत्थे दस्सिया सीगा कि सिख धर्म विच जिहड़ी अरदास है वह बहुत ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि जो भी आप रीति रिवाज करते हाँ उहदे विच अरदास जो आप जन्म हुंदा है किसी का विआह हुंदा है कोई खुशी का मौका हो गया कोई गमी का मौका हो गया उत्थे असी हमेशा अरदास करते हाँ ठीक है तो कई लोग मानते ने कि अरदास का उत्तर मिलता है कई कहते ने अरदास का उत्तर मिलना ही नहीं चाहिए जे अरदास का उत्तर मिलने लग पाया फिर एक खत का सिलसिला बन जाता है ठीक है पहला उहदे विच सी कि 1893 विच भाई वीर सिंह जी ने खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी की स्थापना की जिहदा मुढ भी अरदास दे नाल ही वज्जा सी मतलब इनोग्रेशन की अरदास ही की सी तो उहदे विच सब तो पहला जिहड़ा लेख सीगा उह प्रार्थना लेख सीगा ठीक है लास्ट पैरा सिख लई अरदास ही चढ़दी सिख लई अरदास ही चढ़दी कला का साधन है छोटे तो वड्डे होण दा इह सहज सुभा यतन है अरदास द्वारा वड्डे हुंदिया ही जां इउं कहो कि सरबत दे भाव विच लीन हुंदिया ही साडे उह सारे नुक्त दूर हो जांदे हन जो छोटे होण करके हन साडा निकारापन साडा कमीनापन साडा छुटदिलापन साडा वखरापन इन्हां सबदां तों इस तरह खेड़ा छुट जांदा है खेड़ा मतलब पिछा छुट जांदा है ते मनुख इउं इन्हां तों उपर हो जांदा है जिस तरह उसदे वड्डे हुंदिया ही पुराने कपड़े छोटे हो गए हन इसका नाम चढ़दी कला है जो सरबत दे भले दी भावलीनता तो तत्खिण प्राप्त हुंदा है तत्खिण मतलब फटाफट प्राप्त हुंदा है माया दे पाप लीड़े दा छोटे रह जाना ते मनुख दा एक सरबत पुरख हो के निष्पाप उच्चा उठ जाण दी नाम चढ़दी कला है इस अवस्था की पूर्णता ही सिख अरदास की करामात है मतलब हुण इहदे विच कहा गया है कि आप अरदास करते हाँ हुण जिद्दां मान लो कि असीं छोटे सी आपां वड्डे हुंदे गए ठीक है जे आपां अरदास करांगे तां इसे तरह ही आपां जिहड़ा साडा मन है वह छोटा है छोटा मतलब कि कदी किसी बारे नहीं सोचता सिर्फ अपने बारे ही सोचता है ठीक है साडे विच ईगो हुंदी है मैं दी भावना हुंदी है पर जदों जदों आपां अरदास करदे जांदे आ साडा जिहड़ा कद है या साडी जिहड़ी सोचण दी शक्ति है वह होर ज्यादा वड्डी हुंदी जांदी है ठीक है मतलब इसे तरह ही जिस तरह लीड़े हुंदा कपड़े साडे छोटे हुंदे दे कपड़े हुण नहीं आणगे क्योंकि हुण तुसीं वड्डे हो चुके हो सेम इसे तरह
जे तुसी अपनी जड़ा एक छोटापन है अपनी सोच का छोटापन है इसनू छड़ दोगे ते तुसी बड़े हो जोगे फिर तुसी सरबत मतलब सारिया के भले बारे सोचोगे ठीक है। तो यही जड़ा है ये ही चढ़दी कला है। चढ़दी कला की हुंदा है कि तुसी ये चंगे रहिंदे हो सही रहिंदे हो। साड़ी सुग्यात, सुग्यात मीन सौख ईजीनैस लई श्रीमान भाई साहेब भाई वीर सिंह जी ने अरदास की जरूरत लई किस प्रकार का अलंकार पहले ट्रैक्ट विच बद्दा है मतलब उन्होंने लिखा है जो सन 1893 के करीब उन्होंने लिखा आप दी भेंट करते हाँ मतलब थानू आपां तुहाडे अगे पेश करते हाँ। जो लोग आप नूं ही शंका पा देंदे हन शक पा देंदे हन कि प्रार्थना करनी व्यर्थ है इसे पढ़न तो इसका उत्तर आप नूं एक अत सिक्ख्या दा एक प्रसंग द्वारा साख्यात हो जाएगा। मतलब कई मनते ने कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए टाइम वेस्ट है ठीक है। पर हुण एक लाइन है देखो थले लिखी हुई है तुसी इहनूं पढ़ते हो तो तुहानूं अपने आप ही उहदा उत्तर मिल जाता है। मतलब अरदास जो पढ़ते हो तुसी उत्तर उहदे विचों दी खुद अपने मन विचों दी लभना है ये नहीं कि तुसी उह चाहते हो कि तुहानूं उत्तर मिले ठीक है। तू ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम ठाकुर मतलब परमात्मा नूं कहा गया है परमात्मा नूं आपां ठाकुर भी कहने हाँ कि परमात्मा तुसी की हो जगत दे जानी जान हो परमात्मा हो ठीक है। तुहाडे अगे ही साडी इह अरदास है जियो पिंड सब तेरी रास। सो आपां तू मेरा पिता तू है मेरा माता विच भी पढ़िया सी कि परमात्मा दे ही सिरजे हुए सारे जीव ने ते परमात्मा ने ही उहनां नूं उहनां उहनां जगावां ते लगाया होया है ठीक है। सो इह जिहड़ा पूरे दा पूरा संसार है ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ੇਪੁਰ ਇੱਕ ਮਨੋਹਰ ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਸਦ ਬਖਸਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇਈ ਆਧਾਰੀ। ਬਖਸਿੰਦ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਓਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। महाराजा रणजीत सिंह की बहादरी ते उधारता कौन नहीं जानता। उधारता मतलब सारे लोगों का वह भला करते सन। महाराजा रणजीत सिंह की हुण इहदे विच गल है इहनूं अंडरलाइन कर लो कि किस की उधारता बारे जिक्र किया गया है। सो आंसर इज महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब वर्गे फसादा नाल भरपूर देश नूं जितना। फसादा मतलब पंजाब विच पहलां देखो बहुत सारा तरह दी लड़ाइयां हुंदियां सन ठीक है। हर कोई जिदा भी मुगल आए ठीक है कोई मुसलमान आए या अंग्रेज आए सब ने पंजाब उत्ते ही हमला किया ठीक है। जिथे चप्पे चप्पे अड राज सी ते हरेक अपने आप नूं तीस मारखां समझदा सी। मतलब जे अंग्रेज आए अंग्रेजा ने पंजाब उत्ते राज किया उन्हां नूं लगदा सीगा कि आपां बहुत वड्डा तीर मार लिया। मुगल आए मुगलां नूं लगदा कि आपां बहुत वड्डा तीर मार लिया ठीक है। कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं सी। कोई खाला जी दा वाड़ा की हुंदा है मतलब कि कोई ईजी काम नहीं सी पंजाब उत्ते जित पाना बहुत वड्डा काम सी बहादरी दा काम सी। इस करके महाराजा नूं वड्डियां वड्डियां पीड़ां ते मुहिमां पैंदियां रहिंदियां सन पर ओह शेर दिल कदे नहीं घबरिया। औकड़ वेले अकाल पुरख अगे प्रार्थना करनी ते कारज सिद्ध लै लैने। कारज सिद्ध मतलब अपने जिन्ने भी काम ने उहनां नूं सही तरीके नाल कर लैणा। मतलब जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह सी एडा वड्डा राजा सी उन्हां ने भी परमात्मा दा नाम लिया ते जदों किते युद्ध ते जाना हुंदा सी ते ओह भी पहलां प्रार्थना ही करके जांदे सन ठीक है। देखो हुण अगे इक स्टोरी दिसदी होई है। एक वारी एक वड्डा सरदार जो पहले धाड़वी सी आकी हो गया। धाड़वी मतलब लड़ाइयां करन वाला। आकी मतलब बागी होना ठीक है। आकी मीन्स बागी ए मुहावरा भी है आकी होना बागी होना मतलब कि वह अपनी ही कौम के खिलाफ चला गया ठीक है। आकी हो गया इसनों महाराजा ने वड्डे औख नाल जितिया अते उसनों रोहतास दे किले विच कैद कर दिता। अंडरलाइन कर लो केड़े किले विच कैद किया उन्होंने रोहतास दे किले दे विच। अंडरलाइन करते जाओ बेटा जो वन वर्ड असाइनमेंट भेजनी फिर तुहानू ईजी रहेगा इहनू लभना ठीक है। कैद विच यह सरदार सदीव परमेश्वर ते मनुखा नूं गालां दिंदा। मतलब इहदा परमात्मा विच कोई विश्वास नहीं सी इह नास्तक सी ते जो मूंह पर आउंदी बकदा रहिंदा जो मूंह चांदा सी बोलदा रहिंदा सी। करतार पर विश्वास रखना करतार पर मतलब
परमात्मा उपर करतार के क्या गया परमात्मा नू सर्व सुखां दी खाण है। जो तुसी परमात्मा उते विश्वास रखदे हो तो हर एक तरह के सुख मिलते हैं ठीक है। पर यह महा उत्तम पदार्थ भी इस अपराधी के हिरदे विचों उड़ के इसनों एक अजिही अग विच सिट गया कि जिस विच आदमी मरदा ते नहीं पर सदीव सड़दा रहता है। मतलब पर यह जड़ा सरदार सी उहदे उत्ते कोई असर नहीं सी हुंदा ठीक है कि परमात्मा का नाम भी जपना है। यह नास्तिक सी ते परमात्मा नूं बिल्कुल नहीं सी मनदा ते एक मतलब व्यर्थ काम सी उहनूं परमात्मा दे नाल जोड़ी रखण दा ठीक है। कैद खाने दिया डरौनिया कंधा इसनों खाण नूं पैंदियां ते हनेरे विच अनेक प्रकार दे पै इस दियां अखां अगे आ के इस दे दुखां नूं दूणा कर दे। जड़े हुण क्योंकि वह कैदी सी हमेशा कैद दे विच ठीक है। पहला पहला जिहड़ी कैद सी उहदे विच टोटली हनेरा हुंदा सी। अजकल दी कैद ते चलो लाइट भी हुंदी आ पक्खा भी हुंदा सब कुछ हुंदा हना खाणा पीणा भी मिल जांदा। ओह वाली कैद दे विच बिल्कुल हनेरा सीगा ते उहनूं कंधा इदां लगदियां सी जिद्दां उहनूं खाण नूं पैंदियां क्योंकि उह कल्ला कल्ला फील करदा सी ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਇਸਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਖੀ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਜਾਲੇ ਫਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਟੀਆਂ ਦੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਥੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਥੀ। ਪੋਥੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਦਿਲ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦਾ ਗਿਆ। ਖੁੱਭਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ। ਛੇਕੜ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਪੁਰ ਪੰਚਾ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਛੇਕੜ ਮੀਨਸ ਅਖੀਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਦਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇਈ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਭੂਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਏਡਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਡਰਾਵਣਾ ਭੂਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਮਤਲਬ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁੱਕ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ ਨੇ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਨੇ ਉਹ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ। ਤਰਥੱਲੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਸਭ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਖਿਮਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮਤਲਬ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਦਮੀ ਬੇਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬਾਲ ਅਨਾਥ ਕੀਤੇ। ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਕੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਕੁੰਭੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
कुछ दिन होए फिर वो पोथी पढ़न लगा। दोबारा उन्हें पोथी पढ़नी शुरू कर दी। फिर यह शब्द पढ़िया, जाखो मुश्किल अत बने तोए कहे न दे, कि जदों तुहाडे ते मुश्किल आ पैंदी है तो साडा कोई भी सहारा नहीं बनता, सानू सारे कले छड़ जांदे ने। ठीक है, लागू होए दुश्मना साख भी भजे खले। लागू होए दुश्मन मतलब जदों तुहाडे ते मुसीबत हुंदी है, तुहाडा साख मतलब तुहाडा कोई रिश्तेदार तुहाडे नाल खड़ा नहीं हुंदा। ठीक है, ते दुश्मन जड़े हन उह तुहाडे नाल जड़े हन उह विरोध विच खड़े हो जांदे, क्योंकि उस टाइम तुसीं कले हुंदे हो ते दुश्मन दा तुहाडे ते हमला करना ईजी हो जांदा है। सबे भजे आसरा चुके सब हरसाओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती बाओ। ठीक है, सारे भज जांदे ने इस मुश्किल ते, सानू कोई भी सहारा नहीं दिंदा, पर अंत विच सहारा कौन दिंदा है? परमात्मा दिंदा है। ते जे परमात्मा साडे नाल है ते सानू तत्ती वाह मतलब सानू कदे भी कोई दुख नहीं आंदा। ठीक है, ये सारा शब्द पढ़ के कैदी नू वड्डा आनंद प्राप्त होया ते अपने आप विच ही कहण लगा कि मैं अपने आप नू अत दुखी समझदा सा पर हुण मैं आनंदित हाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि पोथी पढ़ के उस उत्ते की असर होया, उसनों परमात्मा दा या उसनों परमात्मा विच विश्वास होर ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, मेरे सब संकट निवृत्त हो गए, छुट गए, कट्टे गए, जिसका कारण ईश्वर पर भरोसा ते उसकी बेअंत दया है। मेरा दिल जो समुद्र दिया लहरां वांग डोल रहा सी हुण शांत है। मतलब वो पल्ला सी उन्हों टेंशन रहिंदी सी तां उहदे मन विच जिहड़ियां फीलिंग्स सीगियां वह मतलब कदी भी इस तरह दी आंदियां सीगियां, कदी नैगेटिव आंदियां सी, कदी पॉजिटिव आंदियां सी, पर हुण प्रार्थना कीती उहने तां हुण उहदा मन बिलकुल शांत है। इस प्रकार करतारपुर इत्थे करतारपुर लिखा हुआ ना कट्ठा, करतार पर है, ठीक है, पुर नहीं है, करतार पर मतलब परमात्मा उत्ते भरोसा करके सच्चे पछतावे ते उपासना तो यह अपराधी सुखी हो गया। उपासना करके परमात्मा दा नाम जप के जिहड़ा कैदी सीगा वह सुखी हो गया ते उसदे सब संकट निवृत्त हो गए। दिनों दिन पाठ विच वध तो वध प्रेमी हुंदा गया, हर एक ग्रंथी नूं सदवा के उस तों मतलब उस तों कई शब्दां दे अर्थ समझदा। वह मतलब हुण उहनूं इन्ना ज्यादा उस पोथी दे विचों डीपली चलदा गया, हर एक शब्द का वह मीनिंग लभदा गया। ठीक है, ते कई वारी उहनूं शब्दां दे मतलब ना लभदे तां उहने इक किस नूं बुलाया, अंडरलाइन कर लो, ग्रंथी नूं। ठीक है, शब्दां दे अर्थ लभण लई उसने किस नूं बुलाया, ग्रंथी नूं बुलाया। इन्हां गल्लां दा फल ए होया कि कैदी दा वरतो वरतारा होर दा होर हो गया। वरतो वरतारा मतलब पहला वह बहुत ज्यादा जुलमी सी पर हुण वह थोड़ा जिहा पोलाइट हो गया। हरेक नाल मिठा बोले, निम्रता नाल वरते, सारे लोग हैरान सन कि अचरज खेड की वरत गई जो इसका सुभा अजिहा बटीज गया। बटीज मतलब चेंज हो गया। सारे बहुत ज्यादा हैरान सन कि ऐदा किदा हो गया। ठीक है, मतलब एदा टोटली बिहेव किदा चेंज हो गया। इस तो कुछ दिन मगरों महाराजा रणजीत सिंह ने रोहतास आ डेरे लाए। रोहतास जिथे उन्हों कैद किया गया सी, उस रात आप ढिले हो गए। ढिले मतलब महाराजा रणजीत सिंह की जड़ी हेल्थ है वो थोड़ी जी खराब हो गई। दवावां दुर्मला सब अफल गई। अफल मतलब कोई भी काम नहीं आया, सारिया दवावां ते दुआवां जड़ियां भी सन वो कुछ भी काम नहीं आया, फेल हो गया। जब अद्धी रात तक नींद ना आई तो अकाल पुरख अगे बेनती की कि हे करतार मैनू नींद बख्श। झट अख लग गई ते सवेरे राजी खुशी उठे। राजी खुशी मतलब तंदुरुस्त होके उठे। वजीर ध्यान सिंह सदा के बोले, हुण उहदा वजीर दा नाम की है, ध्यान सिंह। ठीक है, इहनू भी अंडरलाइन कर लो, वजीर दा नाम की है, ध्यान सिंह। उसनों सद के मतलब उसनों बुला के बोले, राजा जी वाहेगुरु ने मेरी बेनती सुनी, ते मेनू आराम बख्शिया। हुण वह वजीर नूं की कहिंदे हन कि मेनू परमात्मा ने, क्योंकि मेनू नींद नहीं सी आंदी ते चंगी तरह नाल मैं परमात्मा अगे प्रेयर कीती तां मेनू नींद आ गई,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਆਂ। ਭਾਰਾ ਕੈਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਧਾੜਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਯੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਟ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਅਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦਇਆ ਨਾਲ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ, ਖਲਾਸੀ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੌਜਲ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੌਜਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨੱਕ ਨਾ ਧਰਿਆ, ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਨੱਕ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ, ਰਤਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਠਕੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਕੁਸ਼ਟ ਕਸ਼ਟ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੇ, ਭਾਸਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਮਤੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਪੁਰ ਨਾ ਪਤੀਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪਤੀਆ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਪਾਏ ਸੁਭਾਏ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਏ, ਘਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਛਿੜਕੇ, ਬਹੁ ਪਾਤੀ ਬਹੁ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਦਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਚੇ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਫਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਨਰਕ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਪਾਪੀ ਵਾਂਗੂ ਇਸੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਕੁਝ ਭਜਨ ਰੂਪੀ ਖੇਪ ਲੱਦ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਭਜਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਨ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਸਦੀਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਦੀਵ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ।